Hello students, so how are you? Good, बढ़िया। तो बच्चों हम आज की क्लास आगे प्रोसीड करते हैं और जैसे कि आपको मालूम है हमारा चैप्टर चल रहा है फॉरेक्स, राइट। एंड आज हमारी क्लास 3 है, राइट। और बच्चों फिर से मैं समरी में आपको लेके जाऊं, अगर मैं समरी में लेके जाऊं लास्ट क्लास के लिए, हम एक रूटीन बना लेते हैं हर क्लास में, लास्ट क्लास को हम लोग समरी में लिखवा देंगे। समरी में लिखवाने से हमें बेनिफिट ये होगा कि लास्ट क्लास हमारी रिवाइज हो जाएगी, नंबर वन, क्योंकि आप लोग जब आज क्लास करके जाते हो नेक्स्ट क्लास में वापस आते हो तो रजिस्टर को भी नहीं याद रहता कि मैं कहाँ था, उसको भी याद दिलाना बेटा उठ क्लास का टाइम हो गया है, क्लास में चलते हैं, तो रजिस्टर भी उठ के जल्दी से आपके साथ तैयार होकर वापस आ जाता है, राइट। तो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे कि आपकी क्लास में क्या चल रहा था। सुदीप ओके। तो बच्चों क्लास 3 हम सबसे पहले समरी में आ गए, राइट। समरी में आप भी आ जाइए और समरी में, और मुझे याद दिलाइए, इनफैक्ट मैं भी भूल गया हूँ कि समरी में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या लिखा था। समरी इन द लास्ट क्लास, मनी मार्केट ऑपरेशन हम लिख चुके थे रिसीवेबल वाले एंगल से या पेबल वाले एंगल से, दोनों से, राइट। तो बच्चों अब हम समरी के अंदर पॉइंट नंबर कौन सा लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर सेवन लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर सेवन पे आ जाइए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में मनी मार्केट ऑपरेशन दो एंगल से सीखे थे, नंबर वन व्हेन द अमाउंट इज, यस प्लीज, रिसीवेबल्स, एंड नंबर टू व्हेन द अमाउंट इज पेएबल, राइट। पर लास्ट क्लास में जो मैंने आपको समरी लिखवाई है वो काफी लेंथी लगी मुझे, राइट। तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बल्कि इसको मैं 7 पॉइंट नाम नहीं देता, मैं इसी 6 पॉइंट को और लिख देता हूँ। हमने जो 6 पॉइंट ऊपर लिखा था उसी को हमने और लिख दिया और हमने कहा मनी मार्केट ऑपरेशन, और इसके दो पार्ट्स पहले जैसे बना दिए, व्हेन अमाउंट रिसीवेबल एंड व्हेन अमाउंट पेबल, राइट। तो बच्चों अब आप बताइए रिसीवेबल के लिए स्टेप वन सबसे पहले क्या किया था आपने, अगर आपको फॉरेन करेंसी में अमाउंट रिसीव होने वाला है तो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में लोन ले लेंगे, तो लिखेंगे टेक लोन इन फॉरेन बैंक, राइट। और जो ये लोन का अमाउंट होगा वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू अमाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 1+r पॉवर्टी, राइट। और बच्चों जब आप लोन लोगे तो ये जो r होगा, ये r बेसिकली कौन सा वाला रेट होगा, बोरोइंग रेट, राइट। वी मस्ट से दिस इज बेसिकली बोरोइंग रेट, राइट। और जो ये t है, टाइम है, ये तो टाइम ही है, इज इट क्लियर, ओके। स्टेप वन हो गया, स्टेप टू, स्टेप नंबर टू, आपने फॉरेन बैंक से लोन ले लिया है, अगर फॉरेन बैंक से आपने लोन ले लिया है तो अब आप इस लोन का करोगे क्या, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किस में, होम करेंसी में। सो कन्वर्ट अमाउंट ऑफ लोन इनटू होम करेंसी, राइट। और बच्चों ये जो अमाउंट होगा ये कैसे निकलेगा, जितना भी लोन का अमाउंट था उसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे किससे, स्पॉट रेट से। और बच्चों ये स्पॉट रेट कौन से वाला होगा, बिड और आस्क, कभी कभी बिड होगा कभी कभी आस्क होगा, तो मैंने इस स्पॉट रेट के लिए दो चीज लिख दी, इसको मैंने बिड भी लिख दिया और इसमें आस्क भी लिख दिया। वी हैव टू सिलेक्ट बिटवीन द बिड एंड आस्क, डोंट टू मेक एनी थंब रूल कि ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा, नो, बिड और आस्क एनीथिंग विल बी हैव। स्टेप नंबर 3, आपने बेसिकली लोन भी होम करेंसी में ले लिया है, अगर आपने लोन भी होम करेंसी में ले लिया है, सॉरी अमाउंट जो है कन्वर्ट कर दिया है होम करेंसी में, तो जो कन्वर्टेड अमाउंट है इस पैसों को अब आप होम कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, तो लिखेंगे इन्वेस्ट कन्वर्टेड अमाउंट इन होम करेंसी, ठीक है। तो बच्चों आप इन्वेस्ट कर देंगे, और बच्चों कौन से रेट से इन्वेस्ट कर देंगे, एट द रेट ऑफ व्हाट,
एट द रेट ऑफ नो डाउट इंटरेस्ट रेट, राइट। और जो ये इंटरेस्ट रेट होगा, ये इंटरेस्ट रेट कौन सा वाला होगा? डिपॉजिट रेट। सो दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल बी डिपॉजिट रेट। तो हमने कहा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 1 प्लस आर पावर टी, एंड द आर इज नाउ अगेन क्या कहा हमने? डिपॉजिट रेट। अब बच्चों याद है एक चीज और करते थे हम लोग, क्या करते थे? पी टी टी, प्रोपोर्शनेट टू टाइम। सो दैट पी टी टी वी हैव टू डू, राइट। और स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप क्या होता था? यस प्लीज, कंपेयर दिस अमाउंट अंडर द मनी मार्केट ऑप्शन विद द अमाउंट अंडर द फॉरवर्ड मार्केट। सो कन्वर्ट दिस converted amount with amount under forward market. तो forward market वाले amount के साथ इसको compare कर लेना है, और compare करके आपको बताना है कि कौन सा amount ज़्यादा है, right? और आप कौन से वाला option select करना पसंद करोगे, highest amount और lowest वाला? Highest वाला। We will select the highest option. तो ये amount receivable के लिए हो गया। I think this is a short summary than the before, right? मुझे actual में यही summary में लिखवाना चाहिए था, वो तो मुझे normal working में लिखवा देना चाहिए था, right? चलता है, चल जाएगा। And then amount payable. तो बच्चों amount payable होगा तो क्या होगा? इसके लिए मैंने यहाँ पर star बना दिया, और आपने इस star को यहाँ पर लिख दिया। आप वहीं पर लिख देना, आपके पास space होगा, right? तो बच्चों बताइए स्टेप नंबर 1, जब अमाउंट पे करना होगा तो अमाउंट पे करते समय सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, राइट। सो हम लिखेंगे डिपॉजिट इन फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, राइट। तो इस केस में आपके पास डिपॉजिटेड अमाउंट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, यस प्लीज। कैसे करें, कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है? भाई आपको अमाउंट पे करना है, पे करने की जगह आप पहले से ही डिपॉजिट करके रख रहे हो, तो जितना अमाउंट पे करना है आफ्टर सम टाइम उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आप अमाउंट फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। सो डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी इक्वल टू अमाउंट पेएबल इन फॉरेन बैंक, मतलब फॉरेन कंट्री, अमाउंट पेएबल इन फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय 1 + r पावर टी, एंड अगेन r, ये जो r होगा वो r कौन सा यूज होगा? डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट रेट। एंड नो डाउट r को भी हम PTT करेंगे, प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। और ये हो गया, ये स्टेप नंबर 1 था। नाउ द स्टेप नंबर 2, राइट। ये स्टेप नंबर 2 क्या है? यस प्लीज, डिपॉजिटेड अमाउंट जितना भी है, इस डिपॉजिटेड अमाउंट को अब हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? होम करेंसी में। एक्चुअली कन्वर्ट नहीं, हम बल्कि उल्टी बात करते हैं। हम यहां पर तो ये देख लेते हैं कि हमें अमाउंट डिपॉजिट करना कितना है, इस डिपॉजिट अमाउंट के लिए हमें होम करेंसी में कितना रिक्वायरमेंट है पैसों की, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हमने कहा फाइंड required amount in home country, तो home country बताइए हमें कितना amount required है, right? तो ये कैसे find करते हैं? It will be like equal to deposit, deposited amount, yes please, right? divide or multiply by spot rate. Is it clear? Okay. तो बच्चों ये step number 2 हो गया, और step number 3. अब सर ये बता दिया आपने कि आपको इतना amount required है, पर ये home country में, home currency में ये amount आएगा कहाँ से? आपके पास तो है नहीं। हम home country में, home currency के format में ही loan ले लेंगे, right? तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे भी, like take loan in home country
take loan in home country for क्या लिखा हमने required amount right होम कंट्री के अंदर जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है डैट अमाउंट विल बी टेकन एज लोन. तो ऑब्वियसली जब आप होम कंट्री में लोन ले रहे हैं तो होम करेंसी में ही ले रहे हैं, ठीक है. तो बच्चों अब आप बताइए अमाउंट पेबल, आपने लोन तो ले लिया बट ये पैसा कुछ समय के बाद आपको पे भी तो करना होगा, राइट. तो ये जो अमाउंट पे करना होगा, इन दिस केस अमाउंट पेबल अंडर द मनी मार्केट ऑपरेशन जो आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ लोन, राइट. और इसमें हमें इंटरेस्ट पे करके देना है या इंटरेस्ट माइनस करके देना है? पे करना है, यानी कि इसमें हमें इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर टी, राइट. सो लोन इनटू 1 प्लस आर पावर टी विल बी द अमाउंट पेबल, राइट. हाँ, ये जो आर होगा वो आर कौन से वाला होगा? It will be equal to what? Borrowing rate. And no doubt, इसको आप क्या करेंगे? Proportionate to time. इसको आप proportionate to time भी करेंगे. I think fine. Right. और step number 4. Yes, please. क्या था? Compare. Compare amount payable. Amount payable. Under money market operation with amount payable of forward contract. अब बच्चों कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा? लीस्ट अमाउंट पेबल, हाईएस्ट अमाउंट पेबल, लीस्ट अमाउंट. सिलेक्ट लीस्ट वाला, सिलेक्ट लीस्ट अमाउंट पेबल. तो बच्चों जो भी आपका लीस्ट अमाउंट पेबल होगा डैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड. इज इट क्लियर? चलिए सर, आपने आपने सब लिख लिया है, राइट. और आपको अब याद भी आ गया है, राइट. आपके अंदर सोया हुआ फोरेक्स वाला इंसान जाग गया है. हटा दे, ये पोर्शन तो हटाई देते हैं. तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. इसके अलावा भी लास्ट क्लास में कुछ किया था या बस इतना ही किया था? हाँ, बिड रेट, आस्क रेट, स्टार्ट ही किया था बस, राइट. ज्यादा बातें इस बारे में अभी तक हम नहीं कर पाए थे. तो सर ये सब जो बातें हैं ये हम आज करते हैं. नाउ द पॉइंट नंबर 7 इन द समरी. तो आप समरी में ही हैं और समरी में लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 7. And the point number 7 is, हमने कहा we may have कौन सी कोर्ट? टू वे कोर्ट्स, राइट. सो ये टू वे कोर्ट्स क्या होता है इस बारे में जानते हैं. हमने कहा लाइक फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹40, ₹2.41, राइट. देखो जैसे कि एक दुकानदार है, मान लो कि ये शॉपकीपर है. अब सर ये जो शॉपकीपर है ये बेचता है बैग, ये बेचता है बैग, और ये एक बैग सपोज करो ₹41 में बेचता है, ठीक है. अब जब ये शॉपकीपर इसी बैग को खरीद के आता होगा कहीं से, तो इस बैग को जब खरीद के आता होगा तो क्या इस बैग को भी ये ₹40 में ही खरीदता होगा, मतलब ₹41 में ही खरीदता होगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट. कम में खरीदता होगा या ज्यादा में? कम है. तो हमने कहा इस बैग के खरीदने का रेट तो ₹40 का है और इसी बैग को बेचने का रेट ₹41 का है. मींस आप एक फॉरेन एक्सचेंजर के पास गए, मनी चेंजर के पास गए और आपने कहा कि सर $1 का रेट बताओ, तो आपको रेट नहीं बताएगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, आप डॉलर यानी कि बैग बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, राइट. या ऐसे कहो कि शॉपकीपर क्या करे, आपसे बैग खरीदे या बेचे, राइट. आपने कहा कि आप बैग बेचना चाहते हो तो वो रेट कौन सा बताएगा? ₹40. आपने कहा कि आप बैग खरीदना चाहते हो, वो रेट कौन सा बताएगा? ₹41. तो बच्चों ये जो बैग का रेट है ₹41, ये किसी का रेट है? इस बैग को खरीदने का या बेचने का?
बच्चों ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसके एंगल से सोच रहे हो, आप कस्टमर के एंगल से सोच रहे हो या आप शॉपकीपर के एंगल से सोच रहे हो। थोड़ा ध्यान दो, मैंने कहा आपने इस बैग को, आप बैग को कस्टमर के एंगल से सोचा, कस्टमर के एंगल से। तो बच्चों कस्टमर 41 रुपए में बैग खरीद रहा है बेच रहा है, राइट? कस्टमर का ये बाय रेट हुआ, राइट? और इसी बैग का ये 41 रुपए का हमारे शॉपकीपर के एंगल से सोचोगे तो शॉपकीपर का सेल रेट हुआ, राइट? फिर से यहां पर देखो 40 रुपए का रेट, शॉपकीपर ने किसी पर्सन से इसको खरीदा, राइट? तो इस बैग का ये जो रेट है, अगर शॉपकीपर के एंगल से सोचोगे तो कौन सा रेट है? बाय रेट है। और बच्चों फिर से कस्टमर, मैंने कहा यहाँ पर ये जो पर्सन जो शॉपकीपर को बेच रहा है तो शॉप कस्टमर के एंगल से ये खरीदारी नहीं है, सेल है, तो ये सेल का रेट है। तो बच्चों एक ही चीज, एक ही रेट, एक बंदे के एंगल से सेल है, दूसरे बंदे के एंगल से। तो सर ऐसे तो हम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेल कौन सा है एंड बाय कौन सा है। तो आप जब भी सेल और बाय करना तो सेल और बाय के साथ साथ ये भी देखना कि ये सेल और बाय किसके एंगल से है। एक ही रेट एक बंदे के एंगल से सेल है, दूसरे बंदे के एंगल से बाय है। पर नाउ द क्वेश्चन इज, जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन क्या प्रेजेंट कर रही है, ये क्या शो कर रही है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हमने हमेशा हमेशा इन रेट्स को प्रेजेंट करना है, हमें शॉप के एंगल से बात करनी है या कस्टमर के एंगल से बात करनी है, राइट? तो बच्चों मुझे बताना, यहाँ पर ये डॉलर जो है हमारे इस एग्जाम्पल में किसके जैसा है? बैग के जैसा। हमारा जो ये डॉलर है, ये डॉलर किसके जैसा है? बैग के जैसा। और सर इसका जो प्राइस है ये 41 है, और ऐसे ही यहाँ पर बैग की जगह पर डॉलर हुआ और इसके जगह पर जो प्राइस है वो कितना है? 40 रुपीज। इसलिए बताना ये जो शॉप है हमारे इन एक्सचेंज रेट्स के अंदर, ये जो शॉप है, ये शॉप कौन सी होती है, दुकान कौन सी होती है? बैंक्स, मनी चेंजर्स, राइट? ये जो शॉप है, दुकान है, ये कौन सी होती है? ये होती है बेसिकली बैंक वाली, या ऐसे कह लो ये कौन सी वाली? मनी चेंजर वाली। तो मनी चेंजर वाली दुकान, बैंक वाली जो दुकान है ना, ये बेसिकली बात कर रही है। और ये जो बेच रही है, खरीद रही है, ये क्या चीज, ये कौन है, मतलब कस्टमर कौन है? कंपनीज, वो पर्सन जो मनी चेंजर के पास एक्सचेंज ऑफ द करेंसी के लिए जाता है। और बच्चों कौन सा पर्सन मनी चेंजर के पास एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए जाता है? फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास? कौन सी वाली क्लास? क्या था उसके अंदर? द पर्सन हु विल रिसीव द फॉरेन करेंसी और द पर्सन हु विल हैव टू मेक द पेमेंट इन अदर करेंसी। तो ये जो कंपनी है, ये जो कस्टमर है, ये कौन होगा? ये वो पर्सन होगा जो कि हमारे एक्सचेंजर के पास जाएगा, या ये वो पर्सन होगा जो कि दूसरे की करेंसी रिसीव करेगा या दूसरे की करेंसी पे करेगा, राइट? तो जो ये सब बातें हमने आपको बताई, इसके बाद हमने कहा ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बेसिकली किस एंगल से है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या देखना हमें। मुझे हमेशा याद रखो कि ये जो हमारा ₹40 है, ये ₹40 इज कॉल्ड बिड रेट एंड ₹41 इज कॉल्ड क्या? आस्क रेट। बिड रेट, आस्क रेट, राइट? और बिड रेट में हम क्या कहते हैं, बिड रेट इज द रेट ऑफ परचेज ऑफ द बैग, राइट? और रेट ऑफ परचेज ऑफ द बैग फ्रॉम द शॉप एंगल, कि शॉप ने बैग से किस रेट में ये बैग खरीदा, राइट? इसको यहां पर इस वाले एंगल से मैं क्या कहूंगा? यस प्लीज। बैंक ने डॉलर को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड करेंसी को किस रेट से खरीदा, राइट? तो यहां पर हम शॉप के एंगल से, यानी कि बैंक के एंगल से बात कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड करेंसी जो कि 1 यूनिट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये 1 यूनिट की करेंसी हमारा बैंक, मनी चेंजर किस रेट में खरीद रहा है, राइट? तो हमने कहा ये 40 रुपीज का रेट क्या शो करता है? इट इज द बाइंग रेट ऑफ क्या लिखा? लेफ्ट हैंड साइड करेंसी बाय क्या? बैंक। तो बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीन चीजें। इट इज द बाइंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी बाय द बैंक। क्योंकि अगर मैं इस बाइंग को बाइंग ना कह के सेल कह दूं 40 रुपए का तो भी ठीक है,
बट 40 रुपए के अकॉर्डिंग जो सेल है वो अब शॉप के एंगल से नहीं है बल्कि कस्टमर पर. इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि क्या है क्या है. राइट हमेशा के लिए जब भी आप फर्स्ट वाला नंबर लेंगे तो बिट रेट जो लेंगे वो हमेशा बैंक के एंगल से मनी चेंजर के एंगल से हो जाएंगे. और क्या चीज बेच खरीदी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. इसके बाद आस्क रेट के जो आस्क रेट है ये क्या है. आस्क रेट इज द सेलिंग रेट. आस्क रेट इज द बेसिकली सेलिंग रेट एंड द सेलिंग रेट ऑफ व्हाट अगेन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. राइट बाय क्या बैंक. तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड करेंसी हमारा बैंक क्या कर रहा है ये बेसिकली हमारा सेकंड रेट है आस्क रेट है. राइट तो बच्चों हमेशा हमेशा हमने कहा पॉइंट्स और नंबर जब भी ये आप एक्सचेंज रेट करो तो इसके लिए आप हमेशा हमेशा कुछ बातें हमेशा याद रखना. राइट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग बिड एंड आस्क रेट. तो जब आप बिड एंड आस्क रेट यूज करो तो इस केस के अंदर इन सब बातों का आप हमेशा हमेशा ध्यान रखना याद रखना. ठीक है तो इसमें सबसे पहली बात और सबसे पहली बात क्या है बच्चों बताओ. आप बताओ जो आप बताओगे मैं लिख दूंगा. फिर तीन बातें तो मैं बता चुका हूं आपको. राइट पर इन तीन बातों के अलावा सबसे पहली बात जो इनफैक्ट मैंने बताई नहीं है की जरूर है आपको. मैंने ये सब समझाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया डायग्राम पिक्चर बनाई. राइट याद रखो आने वाले 50 क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे. अपने आप से आप अपने माइंड में नहीं सोचोगे अगर सोचोगे तो भी गलत हो जाएगा. राइट तो यहां पर हमेशा हमेशा सबसे पहले 50 क्वेश्चन में क्या बनाओगे डायग्राम. जब 50 क्वेश्चन में डायग्राम बना दोगे ना तो उसके बाद आपके माइंड में डायग्राम अपने आप बनना शुरू हो जाएगा. और जब माइंड में बनना शुरू हो जाएगा फिर पेपर पर बनाने की जरूरत नहीं है. राइट तो पहले 50 क्वेश्चन में सबसे पहला काम यह करना कि एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट देना और इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यह देना कि कौन सा पर्सन बैंक के पास यानी कि मनी चेंजर के पास एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए जा रहा है. राइट तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हमने दैट मेक एरो डायग्राम फॉर एक्सचेंज ऑफ करेंसी. राइट आपने एरो डायग्राम बनाना है. और बच्चों एरो डायग्राम में बेसिकली करना क्या है ऊपर देखो नो डाउट ये जो पर्सन होगा ये कौन सा पर्सन होगा द पर्सन हु विल रिसीव अदर करेंसी और द पर्सन हु विल हैव टू मेक द पेमेंट इन अदर करेंसी. राइट अब सर ये जो करेंसी एक्सचेंजर से आएगी और जो ये हमारे इस से जाएगी ये इस एक्सचेंजर के ऊपर डिपेंडेंट है या इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है. पर्सन के ऊपर. भाई आप बैंक की मर्जी से थोड़ी कहोगे बैंक कहता है कि मुझसे आप डॉलर खरीद लो आप डॉलर खरीदने चले गए. कोई भी पर्सन बैंक के पास एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए कब जाएगा जब उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो. राइट और उसकी रिक्वायरमेंट कैसे हो रिक्वायरमेंट ऐसे हो कि या तो उसको किसी दूसरे की करेंसी में पैसा पे करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है या दूसरे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब अगर फ्यूचर में पे करना है तो जाएगा फोरन या किसको कुछ पैसा ऐसा मिल गया जो कि फोरन की फॉर्मेट में है. राइट तो हमारा ये पर्सन अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेगा या बैंक की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सचेंज रेट होगा. हमेशा हमेशा ये जो पर्सन होगा जो बैंक के पास एक्सचेंज के लिए जा रहा है इसके रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए ये देखेंगे कि कौन सी करेंसी हमारे इस पर्सन के थ्रू बैंक के पास जा रही है और कौन सी करेंसी बैंक के पास से आ रही है. राइट दिस इज द सेकंड थिंकिंग दैट यू हैव टू थिंक इन योर माइंड एंड रिप्रेजेंट इट इन द एरो डायग्राम. राइट तो हम लिखेंगे दैट present tell me sorry write which currency is going from customer to bank and vice versa in एरो डायग्राम में ये जरूर लिखना कि कौन सी करेंसी
हमारे कस्टमर से बैंक के पास जा रही है और कौन सी करेंसी बैंक से कस्टमर के पास जा रही है. राइट, ऑल दीज अदर स्टेप्स फॉर द थिंकिंग दैट वी हैव टू यूज द बिड रेट और आस रेट. यकीन मानो बच्चों, बच्चों के 90% क्वेश्चन इसी पॉइंट को लेके गलत हो जाते हैं. राइट, इसी रीजन से इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी दे रहा हूँ. राइट, तो पॉइंट नंबर टू ये है. पॉइंट नंबर थ्री, इसके बाद आपने ये देख लिया कि लेफ्ट एक करेंसी बैंक के पास जा रही है, एक करेंसी बैंक के पास से आ रही है. अब आप जब ये सोचोगे कि बिड रेट या आस्क रेट लें, तो आप हमेशा हमेशा कौन सी करेंसी के बारे में सोचोगे, राइट हैंड साइड करेंसी और लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. ऑलवेज ऑलवेज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिड रेट के लिए लेफ्ट हैंड साइड सोचना है और आस्क रेट के लिए राइट हैंड साइड सोचना है, ऐसा कुछ नहीं. आपको जब भी सोचना होगा, आपको हमेशा हमेशा कौन सी करेंसी के लिए सोचना होगा, लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के लिए. राइट, तो पॉइंट नंबर थ्री इज ऑलवेज थिंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. हमेशा हमेशा बच्चों, आप हमेशा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के करेंसी के बारे में सोचो. राइट, बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हमने सोचा, इसके बाद आप ये भी सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड करेंसी हमारे बैंक के पास आ रही है या जा रही है. लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के एंगल से सोचना है, साथ ही साथ किसके एंगल से सोचना है, बैंक के एंगल से या कस्टमर के एंगल से, बैंक के एंगल से. बस कस्टमर के एंगल से तो ये जरूर सोचना कि कौन सी करेंसी बैंक के पास जाएगी और कौन सी आएगी, पर जब आपको ये सिलेक्ट करना हो कि बिड रेट लेंगे या आस्क रेट लेंगे, तो अब आप हमेशा हमेशा एक्सचेंजर के एंगल से यानी कि बैंक के एंगल से सोचो. राइट, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी या फॉर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी एंड ऑलवेज थिंक फ्रॉम बैंक ऑब्लिक एक्सचेंजर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहां पर आप पॉइंट ऑफ व्यू, तो बच्चों आप बेसिकली एक्सचेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक या एक्सचेंजर के पॉइंट सोचो. राइट, अब बच्चों अब आप सोचोगे कैसे. पॉइंट नंबर फाइव, अगर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी हमारे एक्सचेंजर के पास आ रही है, तो मतलब एक्सचेंजर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो हम कौन सा रेट लेंगे, बिड रेट. और अगर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी एक्सचेंजर के पास से जा रही है, तो हमारा एक्सचेंजर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी को सेल कर रहा है, तो कौन सा रेट लेंगे, आस्क रेट. हमने कहा पॉइंट नंबर फिफ्थ, इफ लेफ्ट हैंड साइड करेंसी कम्स टू बैंक, इट मीन्स इट इज बाय कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, बाय कॉन्ट्रैक्ट. और इस बाय कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप जो रेट लेंगे, एंड दैट रेट विल बी बिड रेट. राइट, एंड इफ लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड करेंसी गोज आउट फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से जाए, राइट, सो इट इज अ सेल ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इस सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो रेट कंसिडर होगा, वो अब रेट कौन सा होगा, आस्क रेट. यस सर, ओके. तो दिस इज वी हैव बिड रेट एंड आस्क रेट. राइट, अच्छा बताना, बिड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, आस्क रेट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. राइट, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई ये रूल नहीं है. मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए तो वही वाला रूल है जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था. क्या सीखा था हमने, अगर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी गिवन हो तो मल्टीप्लाई. भाई अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड करेंसी गिवन हो, इसका मतलब है कि एक यूनिट की ये वाली वैल्यू है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की 1000 यूनिट्स की मल्टीप्लाई बाय 40. राइट, और अगर हमें गिवन करेंसी राइट हैंड साइड हो, तो आप डिवाइड कर देंगे. बस ये छोटा सा रूल है. If the given currency is left hand side, multiply. If the given currency is right hand side, divide. Right? पर तो यहाँ पर ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिक वाला रूल है जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, तो यहाँ पर नहीं.
और बच्चों यकीन मानो हमारी आज की क्लास किए बिना आगे कोई भी बच्चा फॉरेक्स नहीं कर सकता, राइट? ये पहले दूसरी तीसरी क्लास, आगे वाली क्लासेस के लिए दी मस्ट क्लासेस हैं, राइट? सो ये सब समझ आ गया, राइट? अब कुछ एक हम आपके साथ एग्जांपल्स कर रहे हैं ताकि आप इन रूल्स को जो हमने रूल्स बनाए हैं, लिखे हैं आपके सामने, इन रूल्स को फॉलो कर सके, राइट? तो इन रूल्स को फॉलो करने के लिए मैं कुछ स्पेस लूंगा। कैन आई रफ दिस पोर्शन? मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए बस, ये लिखा रहेगा। आई नीड दिस पोर्शन ओनली। बच्चों जल्दी से कॉपी कीजिए फास्ट। हाँ जी बच्चों डन। ओके मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए बस, राइट? सो कुछ एग्जांपल्स आपको पहले मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको अपने आप से अभी करने के लिए कहा जाएगा, राइट? सो दैट आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकें, राइट? एंड नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन इज दैट मिस्टर ए ऑफ इंडिया सेल्स गुड्स टू मिस्टर यू ऑफ यूएस and receive $10,000. Find what amount Mr. A receive in his home currency if $1 is equal to rupees 42, right बच्चों? सबसे पहले बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है सो डैट हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ चीजें बदलती रहेंगी और एग्जाम्पल अच्छा एडवांस होता रहेगा, राइट? सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो पहला एग्जाम्पल है मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उसके बाद आप बाद में करेंगे। सो सबसे पहले बच्चों वो चीज लिखो जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए ऑफ इंडिया, हमने कहा मिस्टर ए ऑफ इंडिया सेल्स गुड्स टू मिस्टर यू ऑफ यूएस, राइट? तो ये इंडिया का पर्सन है और ये यूएस का पर्सन है। तो बच्चों जब मिस्टर ए गुड्स बेच रहा है तो डेफिनेटली गुड्स के बदले में वो कैश रुपीज अमाउंट रिसीव करेगा, राइट? तो बच्चों इसका मतलब ये कि इसके बदले में उसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है अमाउंट, और उसको मिल क्या रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको मिल रहा है $10,000। अब $10,000 मिल रहे हैं तो नो डाउट, अब मिस्टर बताना पहले तो कौन सा पर्सन बैंक के पास एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए जाने वाला है, मिस्टर यू और मिस्टर ए? मिस्टर यू को जो पेमेंट पे करनी है वो तो अपने होम करेंसी की फॉर्मेट में पे करनी है, तो मिस्टर यू को तो किसी तरह से कोई भी डर खतरा नहीं है। तो हमारा मिस्टर यू तो एक्सचेंजर के पास जाने नहीं वाला, कौन जाने वाला है? मिस्टर ए। सो नो डाउट, अब हमने आपको कहा कि आप इक्विवेलेंट रुपीस बताइए। सो इक्विवेलेंट रुपीस निकालने के लिए आपके पास जो गिवन करेंसी है वो है $10,000। तो बताइए बच्चों मैं बिड रेट लूं या आस्क रेट लूं? राइट, सबसे पहले डायग्राम, आपको मैंने कहा सबसे पहले डायग्राम। मैं आपसे बाद में पूछूंगा, इनफैक्ट आप घर में जाकर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अपने आप से बिड और आस्क जल्दी से सिलेक्ट करोगे। नो मत करो ऐसा, आगे जाके फंस जाओगे, राइट? एक बार गलती होगी तो आप उस गलती को अपने आप से एक्सेप्ट करने नहीं वाले और वो गलती आपके पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी और फिर आपको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, राइट? आप अपने आप से जल्दी से सिलेक्ट मत करो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ,
राइट, पहले 50 क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. ये रहा बैंक और ये रहा कस्टमर, और जो ये कस्टमर है ये कौन है? मिस्टर ए. अब बच्चों इस मिस्टर ए की रिक्वायरमेंट को समझो. मिस्टर ए की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसके पास $10,000 आ गए हैं. राइट, अब $10,000 अगर उसके पास आ गए हैं तो इसको वो क्या चाहेगा? होम करेंसी में कन्वर्ट करना चाहेगा. तो मिस्टर ए के पास $10,000 हैं, तो मिस्टर ए कहता है कि आप मुझसे $10,000 मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो और इसके बदले में मुझे तो मेरी होम करेंसी दे दो, यानी कि क्या दे दो? रुपीस. तो मिस्टर ए कहता है कि आप मुझे मेरे रुपीस दे दो, आप मुझसे ये डॉलर्स ले लो, आई डू नॉट नीड दिस. इज इट क्लियर? राइट. तो बच्चों मैंने पहला स्टेप कर दिया, मेक एरो डायग्राम फॉर एक्सचेंज ऑफ करेंसी. मैंने दूसरा स्टेप भी कर दिया, राइट विच करेंसी इज गोइंग फ्रॉम कस्टमर टू द बैंक, तो एंड वाइस वर्सा, और बैंक से हमारे कस्टमर के पास कौन सी करेंसी आ रही है. और ये चीज जो बनाते हैं वो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाते हैं. राइट, इसके बाद स्टेप नंबर थ्री. और स्टेप नंबर थ्री हमने कहा कि ऑलवेज थिंक फॉर. अब आप अपना सोचने का तरीका बदल दो. देखो पहले आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक करेंसी दे रहे थे बैंक को, दूसरी करेंसी ले रहे थे. अब आपको सोचने का तरीका बदल देना है. अब क्या सोचना है? नाउ यू हैव टू थिंक फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. मतलब लेफ्ट हैंड साइड करेंसी हमारे एक्सचेंज रेट में कौन सी है? डॉलर. अब आप डॉलर के एंगल से सोचो, और डॉलर के एंगल से भी किस किस पर्सन के एंगल से सोचो? बैंक के एंगल से, कि बैंक जो है लेफ्ट हैंड साइड करेंसी बाय कर रहा है या सेल कर रहा है. हाँ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, फिफ्थ पॉइंट में लिखवाया था मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड करेंसी अगर बैंक के पास आ रही है तो ये बाय ट्रांजैक्शन है, तो कौन सा रेट यूज होगा? बिड रेट यूज होगा. तो हमारा कौन सा रेट यूज होगा $1 का? नाउ वी विल यूज बिड रेट 40, 42. से अब कोई मतलब नहीं है. राइट, तो बच्चों आप बताइए इस 40 रुपीज को मैं इस $10,000 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड? सोच के बताओ. गिवन करेंसी इज डॉलर्स. अब गिवन करेंसी अगर डॉलर है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड करेंसी गिवन है, तो हम क्या कर देंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपके पास कितना इक्विवेलेंट रुपीज आ जाएगा? इट विल बी रुपीज 4 लाख. That's it. Easy? Okay. Copy कर लीजिए. Example number 2. 5-6 examples we will do. And the example number 2 is Mr. A of India purchases goods from Mr. U of US and have to pay $10,000. So $10,000 pay karne hai. Find what amount Mr. A will pay and Mr. U will receive if $1 is equal to rupees 42 rupees 42. बच्चों मैंने पूरे क्वेश्चन में कुछ खास चेंज किया ही नहीं. मैंने सिंपल इतना चेंज किया कि अब मिस्टर ए गुड्स बेच नहीं रहा है यू को, बल्कि बाय कर रहा है. राइट, अब इतने सी चीज बदलने से अब हमारे पास क्या क्या चेंजेस होंगे, दैट वी हैव टू थिंक. सबसे पहले जो आपके पास ये ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को डायग्रामेटिकली बना लो. मैंने कहा ये रहा मिस्टर यू ऑफ यूएस और ये रहा मिस्टर ए ऑफ इंडिया. राइट, और मिस्टर ए ऑफ इंडिया जो पर्सन है, इस पर्सन ने मिस्टर यू ऑफ यूएस से गुड्स क्या करे हैं? हाँ जी, गुड्स क्या किए हैं? परचेज किए. मिस्टर ए ऑफ इंडिया परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर यू ऑफ यूएस. तो गुड्स परचेज कर लिए, और परचेज करने के बाद इसके बदले में क्या पे करना है?
अमाउंट, और बच्चों जो अमाउंट पे करना है वो कौन सा, कितना अमाउंट पे करना है, $10,000. सो $10,000 पे करने हैं, राइट. अब सर ये कहानी है, ये ट्रांजेक्शन है, राइट. तो बच्चों जल्दी से बता दो कि इक्विवेलेंट, पहले तो बताओ कौन सा पर्सन एक्सचेंजर के पास जाएगा, मिस्टर यू और मिस्टर ए. अरे पहले हमारा मिस्टर ए गुड सेल कर रहा था तो एक्सचेंजर के पास जा रहा था, अब परचेज कर रहा है तो भी क्या दोबारा से एक्सचेंजर के पास जाएगा? यस, क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी में पे करना है. इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो बच्चों यही हम यहाँ पर सीख भी रहे हैं. हमने कहा मिस्टर ए ऑफ इंडिया परचेजेस गुड्स एंड पे $10,000. तो बच्चों हमने कहा ये रहा बैंक, मतलब एक्सचेंजर, और ये रहा कस्टमर. अच्छा बिड रेट लेंगे, आस्क रेट लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, नॉट टू बी कंफ्यूज कि पहले जल्दी जल्दी बता दो, नो. अच्छा बताइए, मैंने डायग्राम के लिए दो पर्सन आमने सामने लिख दिए, नो डाउट एक करेंसी इस पर्सन के पास आ रही होगी और एक करेंसी एक्सचेंजर के पास जा रही होगी. तो अब हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या, ध्यान दीजिए, राइट. मिस्टर ऑफ ए ऑफ इंडिया हैव टू मेक द पेमेंट इन $10,000, राइट. अब क्या मिस्टर ए के पास इसकी होम करेंसी तो है, इसकी होम करेंसी क्या है, रुपीस, पर क्या इस मिस्टर ए के पास डॉलर्स अवेलेबल हैं? नो, मिस्टर ए के पास डॉलर अवेलेबल नहीं है. अब अगर इसके पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करेगा ये, क्या कहते हो? ही नीड $10,000 फ्रॉम द बैंक, राइट. और इसके बदले में ये चाहता है कि वो बैंक को अपनी होम करेंसी दे दे. ही नीड $10,000 फ्रॉम द बैंक एक्सचेंजर एंड ही विल गिव रुपीज टू द मिस्टर टू बैंक. ऐसे ही ना? Yes, तो बच्चों आप बिल्कुल ठीक है, आपने ये ट्रांजेक्शन बना ली. अब आप फिर से किसके एंगल से सोचेंगे, बैंक के एंगल से, कस्टमर के एंगल से? बैंक के एंगल से सोचेंगे. अब बैंक के एंगल से सोचो, बैंक के एंगल से भी सोचोगे तो कौन सी करेंसी के लिए सोचोगे? लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के लिए. और अब देखो हमारा बैंक लेफ्ट हैंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर सेल कर रहा है, दे रहा है या बाय कर रहा है? सेल कर रहा है, तो कौन सा रेट? Now ask rate, right? तो अब हमने कहा that equivalent rupees is equal to $10,000. हाँ जी बच्चे, multiply या divide? हमारे पास जो given currency है वो given currency left hand side currency है. तो हमने क्या सीखा हुआ है, क्या करते हैं हम लोग, multiply. तो multiply करेंगे और multiply करके आपके पास ये amount आ जाएगा rupees 42 lakh. 4,20,000. It will be rupees 4,20,000. I think fine. पक्का? ठीक है. तो बच्चों हमने कहा equivalent rupees is equal to 4,20,000. ये हमने कर लिया. Copy कर लें? Copy? अब आपको लगता है सर हमें दे दो, हम अपने आप से करेंगे, ऐसे लग रहा है? आवाज आ रही है अंदर से? आवाज आ रही है. अब सर आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, राइट. हमने कहा दैट एग्जांपल नंबर 3, राइट. एंड एग्जांपल नंबर 3 इज मिस्टर यू ऑफ यूएस सेल गुड्स टू मिस्टर के ऑफ यूके, राइट. इंडिया हटा देते हैं, राइट. मिस्टर यू ऑफ यूएस सेल्स गुड्स टू मिस्टर के ऑफ यूके फॉर 200 pounds, राइट. फाइंड हाउ मच अमाउंट विल बी paid by Mr. U and paid by Mr. K and received by Mr. U. अच्छा last example में हमसे ये भी पूछा गया था कि बताइए U जो receive करेगा वो receive करेगा क्या? $10,000. Obviously $10,000. वो तो contract में ही लिखा हुआ है.
ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन है और साथ ही साथ हमारे पास एक रेट गिवन हो गया, £1 इज इक्वल टू, इट्स 0.02 डॉलर, दैट 0.025 डॉलर्स, राइट। तो आप करेंगे? ओके, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। Minutes for this, but be in the systematic manner, jumping mat karna.
हाँ जी, वो जो स्टार्ट करते हैं राइट, तो वो जो आपने बिल्कुल ट्राई कर लिया होगा, देखो ये भी प्रेजेंटेशन का एक स्टाइल है राइट, तो डोंट थिंक कि राइट एंड साइड में जो नंबर है वो पूरे कंप्लीट नंबर होना जरूरी है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, दैट इज नॉट एन इशू राइट, फ्रैक्शन में तो है तो नंबर ही। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जब लेफ्ट हैंड साइड में वन यूनिट होगी। बच्चे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं ठीक है, अच्छा कम बैक वापस आ जाओ। सबसे पहले आप इसको डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करो, और डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करो मतलब क्या कि हमने कहा ये रहा मिस्टर के ऑफ यूके एंड ये रहा मिस्टर यू ऑफ यूएस राइट, और किसने किसको बेचा है, यू ऑफ यूएस सेल गुड्स टू के ऑफ यूके, तो यहाँ से गुड्स बेचे जा रहे हैं और गुड्स सर्विस जो भी है, और इसके बदले में पेमेंट पे करनी है, और पेमेंट पे कैसे करनी है, कितनी करनी है, 200 pounds, 200 pounds पे करनी है राइट। फाइंड हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय मिस्टर के एंड रिसीव बाय मिस्टर यू, तो बच्चों बताइए हमारा मिस्टर कितना अमाउंट पे करेगा और यू कितना अमाउंट रिसीव करेगा, तो ऑब्वियसली मिस्टर के कितना अमाउंट पे करेगा, 200 pounds, मिस्टर यू कितना अमाउंट रिसीव करेगा, 200 pounds, बट 200 pounds हमारे मिस्टर ये के लिए यू के लिए कोई मायने नहीं रखते राइट, मिस्टर यू को तो क्या चाहिए, उसकी होम करेंसी यानी कि डॉलर्स, मिस्टर यू को तो मतलब है कि उसके अपनी होम करेंसी डॉलर्स कैसे मिले, दिस इज द मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव। अब इस पर्पज के लिए हमारा मिस्टर यू किसके पास जाएगा, एक्सचेंजर के पास, मिस्टर यू विल गो टू द एक्सचेंजर। तो बच्चों सबसे पहले हम फिर से डायग्राम प्रेजेंट करते हैं, हमने कहा ये जो पर्सन है बेसिकली नाउ मिस्टर यू है ये राइट, अब यू की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने की बात करो कि कौन सी करेंसी बैंक के पास जाएगी और कौन सी करेंसी बैंक से आएगी, तो बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा मिस्टर यू 200 pounds रिसीव कर रहा है, सो मिस्टर यू बेसिकली बैंक को 200 pounds दे देगा और कहेगा कि बैंक जी आपको आप प्लीज मेरी होम करेंसी मुझे दे दो, मुझे इन 200 pounds का कोई मतलब नहीं है राइट ना, ऐसे ही है। हाँ जी सर, ओके आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू थिंक फॉर द यस प्लीज लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, we have to think for the left hand side currency and we have to think from the angle of the bank, to bank ke angle se left hand side currency batao, bank purchase kar raha hai ya sell kar raha hai, kya kehte ho, bank kya kar raha hai, purchase kar raha, ab agar bank left hand side currency purchase kar raha hai right, to is case ke andar kya reduce hoga right, to is rate mein hum log bid reduce karenge राइट right. तो बच्चों हमने यहाँ पर कहा दैट इक्विवेलेंट डॉलर्स इज इक्वल टू 200 pounds एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड बिड रेट यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड करेंसी गिवन है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज वी हैव $4 राइट, कोई डाउट नहीं। इसके बाद जो इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बदल देते हैं, और इसी एग्जांपल में हमने आपको ये कहा दैट मिस्टर यू ऑफ यूएस सेल्स गुड्स टू मिस्टर के ऑफ यूके फॉर $2,000, फाइंड हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय मिस्टर के एंड रिसीव बाय मिस्टर यू, एक्सचेंज रेट भी यही लेते हैं ताकि इस रहे राइट, बाकी सब कुछ सेम है। अब जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट फिक्स होगा वो अमाउंट फिक्स हो चुका है $2,000 का राइट, तो बच्चों पहले तो ये बताइए अब कौन सा पर्सन एक्सचेंजर के पास जाएगा, मिस्टर यू और मिस्टर के, मिस्टर के, वाई मिस्टर के, बिकॉज मिस्टर के को पेमेंट जो पे करनी पड़ रही है वो दूसरी की करेंसी में पे करनी पड़ रही है राइट, तो बच्चों ट्राई कीजिए, नो डाउट आप ट्राई करेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट, ट्राई योरसेल्फ।
Yes, sir, done. हाँ जी सर, तो ट्राई हो गया. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ अगेन. तो बच्चों, फिर से हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है. तो ये रहा मिस्टर के, ये रहा मिस्टर यू, राइट. और मिस्टर यू ऑफ यू एस सेल्स गुड्स टू के, और इसके बदले में जो रिसीव होगा वो रिसीव क्या हो रहा है? हाँ जी, इसके बदले में पेमेंट की जाने वाली है डॉलर्स में. बट बच्चों, मिस्टर यू को तो $2,000 मिल जाएंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन, जो कि उसकी अपनी होम करेंसी है. बट क्या मिस्टर के अपनी पॉकेट से $2,000 पे कर सकता है? नहीं. यूके की करेंसी कौन सी है? पाउंड्स. तो ही हैज पाउंड्स ओनली. सो मिस्टर के हैज टू गो टू द एक्सचेंजर. तो बच्चों, हमने कहा ये रहा एक्सचेंजर और ये रहा मिस्टर के. और बच्चों, मिस्टर के एक्सचेंजर के पास गया और कहा कि सर, मुझे क्या चाहिए? आप मिस्टर के की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो अब आप पहले बताओ कि कौन सी करेंसी कहाँ से बैंक के पास जाने वाली है और कौन सी करेंसी बैंक से आने वाली है, राइट? मिस्टर के से बैंक के पास क्या जाने वाले हैं? पौन. और बैंक से मिस्टर के पास क्या आने वाला है? $2,000, राइट. तो $2,000 मिस्टर के पास आएंगे और बैंक के पास से मिस्टर के से पहुंच जाएंगे. तो दिस इज द बेसिकली एक्सचेंज ऑफ द करेंसीज, राइट. अब सर, इस एक्सचेंज के बाद आप मुझे बताइए, हम किसके पॉइंट ऑफ सोचेंगे फिर से? बैंक के पॉइंट ऑफ से. और कौन सी करेंसी के लिए? लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के लिए. तो लेफ्ट हैंड साइड करेंसी हमारा बैंक बाय कर रहा है या सेल कर रहा है? बाय कर रहा है. तो बाय कर रहा है, तो यानी कि आप जो एक्सचेंज रेट यूज होगा वो कौन सा रेट यूज होगा फिर से? हाँ जी, बिड रेट ही यूज होगा, राइट. पहले कौन सा यूज हुआ था? पहले भी बिड रेट यूज हुआ था. अभी भी कौन सा रेट यूज होगा? बिड रेट ही यूज होगा. तो बच्चों, अब हमने कहा इक्विवेलेंट पॉन्ड्स इज इक्वल टू $2,000. अब बच्चों मुझे बताना, मल्टीप्लाई और डिवाइड? अब डिवाइड होगा, क्योंकि अब हमें जो गिवन करेंसी है वो गिवन करेंसी कौन सी है? राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड करेंसी गिवन है, इट विल बी डिवाइड 0.02 एंड नाउ इट बिकम्स 100 क्या पॉन्ड्स. किस किस का आंसर ठीक था? कितना था आंसर? अच्छा, 1 lakh आएगा, 1 lakh पॉन्ड्स आएगा. किस किस का आंसर ठीक था? राइट था. चलो, आधे बच्चों का ठीक था. चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर. एग्जाम्पल नंबर 4. मिस्टर ए ऑफ इंडिया सेल्स गुड्स टू मिस्टर के ऑफ यूके फॉर ₹5 lakh. Find how much मिस्टर के विल रिसीव. मिस्टर के विल रिसीव फाइंड हाउ मच मिस्टर के विल रिसीव इफ. हाँ जी बच्चों, क्या इफ एक्सचेंज रेट चाहिए ना हमें? मिस्टर 1 pound इज इक्वल टू ₹60 to ₹65. नो डाउट, दिस इज द बिड रेट एंड दिस इज द आस्क रेट.
तो बिड रेट और आस्क रेट गिवन है राइट. तो जो दिस इज वी हैव नाउ वी हैव टू जज वेदर टू यूज बिड रेट और आस्क रेट. और बिड रेट और आस्क रेट जो लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. तो वो जो ट्राई करेंगे आप लोग ओके ट्राई कीजिए और बताइए कि आंसर कितना आता है. बच्चों डन ठीक है बच्चों आगे करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि आपने ठीक किया है या मिस्टेक की है. तो सबसे पहले हमने कहा हम डायग्राम बना लेते हैं दैट मिस्टर ए इज हियर एंड मिस्टर के इज देयर राइट. और मिस्टर ए जो है वो के को गुड्स बेच रहा है ना तो गुड्स बेच रहा है और इसके बदले में मिस्टर के मिस्टर ए से क्या रिसीव करेगा रुपीज कितने 5 लाख. तो बच्चों ऐसा 5 लाख रुपए तो रिसीव करेगा बट क्या मिस्टर के पास जो कि यूके का है क्या इसके पास 5 लाख रुपए हैं? नहीं. मिस्टर ए क्या रिसीव करेगा दैट इज नोन ये मालूम है मिस्टर ए विल रिसीव हाउ मच अमाउंट 5 लाख रुपीज. बट मिस्टर के पेमेंट 5 लाख कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो रुपीज के फॉर्मेट में करेंसी होती ही नहीं है राइट. तो बच्चों मिस्टर के पास रुपीज की फॉर्मेट में करेंसी नहीं होती इसके लिए मिस्टर के को जाना पड़ेगा किसके पास बैंक के पास. तो बैंक के पास जाना पड़ेगा सर हमने कहा ये रहा मिस्टर के और बैंक के पास चला गया एक करेंसी वो देगा और एक करेंसी ले लेगा राइट. अब मिस्टर के की रिक्वायरमेंट को समझो मिस्टर के हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख विच मिस्टर के डज नॉट हैव राइट. मिस्टर के डज नॉट हैव तो मिस्टर के एक्सचेंजर को क्या कहेगा कि एक्सचेंजर जी आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो क्योंकि मुझे मिस्टर ए को देने हैं इसके बदले में आप मुझसे पाउंड्स ले लो राइट. तो पाउंड्स लेकर हमारा मिस्टर ए के कहता है 5 लाख रुपए मुझे चाहिए राइट. अब इस एंगल से सोचते हैं आप फिर से बताइए हमारी हमारा एक्सचेंज रेट ये है तो आप लेफ्ट हैंड साइड के एंगल से सोचेंगे और बैंक के एंगल से सोचेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड करेंसी हमारा बैंक बाय कर रहा है या सेल कर रहा है बाय कर रहा है. आपके पास एक्सचेंज रेट है 1 पाउंड इज इक्वल टू रुपीज 60 to rupees 65 और आप लेफ्ट हैंड साइड के एंगल से बैंक के लिए सोचते हैं तो आप हमारा बैंक बाय कर रहा है तो कौन सा रेट यूज होगा बिड रेट राइट. तो अब आपको अगर इक्विवेलेंट पाउंड चाहिए या ये पता करना है कि हमारे मिस्टर के को कितने पाउंड चाहिए 5 लाख रुपए पे करने के लिए तो हम कहेंगे इट विल बी इक्वल टू रुपीज 5 लाख राइट. और बच्चों बिड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो गिवन करेंसी है वो कौन सी करेंसी है राइट हैंड साइड करेंसी. अगर राइट हैंड साइड करेंसी हमारे पास गिवन करेंसी है तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड कर दीजिए 0.33 राइट. तो बच्चों आप किस किस का ठीक आ गया आप सबका ठीक आ गया ओके गुड इज इट फाइन राइट. पर बच्चों मुझे आपको मुझे थोड़ा सा याद दिलाना होगा कि हम कर क्या रहे थे मनी मार्केट ऑपरेशन. हमने मनी मार्केट ऑपरेशन में 3 ट्विस्ट की बात की थी राइट. और जब 3 ट्विस्ट की बात की थी तो उनमें से एक ट्विस्ट था 2-way quote. तो अभी हम वहां पर 2-way quote पे बात कर रहे थे अब हम वापस चले जाते हैं कहां पर राइट MMO मनी मार्केट ऑपरेशन. अब आप वापस मनी मार्केट ऑपरेशन में आ जाइए और अब आप बेसिकली मनी मार्केट ऑपरेशन के फुल फ्लैश क्वेश्चंस कर सकते हैं
लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि टू वे कॉर्ड किए बिना मनी मार्केट ऑपरेशन हम आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे. अब वो वक्त आ गया है जिसमें कि हम मनी मार्केट ऑपरेशन के आगे क्वेश्चंस प्रोसीड कर सकते हैं. यू हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 78th. क्वेश्चन नंबर 78th. And question number 78 says, question number 78 read करते हैं. And question ने कहा है that XYZ so limited sold goods worth $2,06,000 to the customer in US. फिर से XYZ limited sold goods worth $2,06,000 to a customer in US. तो XYZ limited जो कि कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी. तो इंडियन कंपनी ने यूएस कस्टमर को गुड्स बेचे हैं, राइट. तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंट करें, यस डायग्रामेटिक प्रेजेंट करते हैं. हमने कहा ये इंडिया का पर्सन हो गया और एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है इंडिया की कंपनी है और इसने गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं. तो अगर सेल किए हैं गुड्स यूएस वाली कंपनी को तो डेफिनेटली अमाउंट रिसीव होगा या पे होगा? एक्स वाई जेड लिमिटेड को अमाउंट रिसीव होगा, पे होगा? रिसीव होगा. भाई गुड्स भी बेचे हैं, अमाउंट भी पे करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो अमाउंट रिसीव होगा. सो एक्स वाई जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ $2,06,000. तो बच्चों हमारे यूएस कंपनी से पैसे कितने मिलने वाले हैं? $2,06,000. तो जैसे ये आ जाए कि इतने पैसे मिलने वाले हैं, जल्दी से माइंड में कैलकुलेशन करना, बताना कि कौन सा पर्सन एक्सचेंजर के पास जाएगा? इंडियन पर्सन, क्योंकि इसको एक ऐसी करेंसी मिल रही है जो कि होम करेंसी नहीं है, राइट. तो बच्चों और आगे चलते हैं. तो इंडियन पर्सन हमारे एक्सचेंजर के पास जाएगा इन यूएसए. द रिसीप्ट्स ड्यू इन 4 months. अच्छा, ये पैसे आज नहीं मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे 4 महीने के बाद, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 months. दिस अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिसीव्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 months. तो 4 महीने के बाद $2,06,000 हमारे एक्स वाई जेड लिमिटेड को रिसीव हो जाएगा, राइट. पर बच्चों इन 4 महीनों तक तो हमारे एक्स वाई जेड लिमिटेड के नींद खराब हो जाएगी. एक्सचेंज रेट आज ये है, कल क्या होगा, 4 महीने के बाद क्या होगा, हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे नहीं मिलेंगे. सो एक्स वाई जेड लिमिटेड आर इन रिस्क ऑफ द एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट. तो हमारे एक्सचेंजर लिमिटेड क्या हो गया है? रिस्क हो गया है. तो अब इस रिस्क से बचने के लिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सचेंज रेट स्पॉट $1. तो एक्सचेंज रेट स्पॉट एक्सचेंज रेट $1 का एक्सचेंज रेट एज गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹42. कितना है? 42. ऑब्वियसली इट इज अ बिड रेट एंड दिस इज अ आस्क रेट. तो बिड रेट है और आस्क रेट है. फोर मंथ्स फॉरवर्ड. सो 4 months फॉरवर्ड रेट जो है 1 pounds का वो है यस प्लीज ₹40.50 - ₹42.75, राइट. ओहो डॉलर है ना, डॉलर का रेट है, राइट. नो डाउट ये भी बिड और आस्क है. तो जो बिड और आस्क स्पॉट भी है, बिड और आस्क फॉरवर्ड भी है, राइट. तो ये फॉरवर्ड रेट एक्सचेंज क्यों, किस पर्पस के लिए यूज होगा? फॉर द हैजिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हैजिंग द ट्रांजेक्शन. अब इस हैजिंग करके आप अपने फ्यूचर की रिसिप्ट को सेव कर सकते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट से फिक्स कर सकते हो, राइट. तो बच्चों आगे कहा इन्होंने दैट वी हैव 4 months फॉरवर्ड $1 इज इक्वल टू 40.50. दिस वन इंटरेस्ट रेट्स यूएसए 7%, 9%. कहते हैं कि यूएसए का इंटरेस्ट रेट है 7%, 9%. और बच्चों क्वेश्चन कहे या ना कहे, ऑलवेज परसेंटेज ऑलवेज इज इन पर एनम. परसेंटेज ऑफ द रिटर्न जब भी दिया होता है वो हमेशा पर एनम में दिया होता है, राइट. तो वैसे तो लिखा भी हुआ है पर एनम. एंड इंडिया 12%, 14%, 12%, 14%. बच्चों दो रेट कैसे यार, राइट. एक डिपॉजिट रेट होगा और एक बोरिंग रेट होगा. कम वाला जो रेट होगा ये कौन सा होगा? डिपॉजिट रेट. ज्यादा वाला बोरिंग रेट. पैसे जमा करोगे तो कम ब्याज मिलेगा, जब विड्रॉ करोगे, बोरो करोगे, उधार लोगे तो ज्यादा मिलेगा,
राइट. तो बच्चों ये जो 12% है ये क्या है? डिपॉजिट रेट. दिस इज बोरिंग रेट. और ऐसे ये क्या है? डिपॉजिट रेट एंड दिस इज बोरिंग रेट. चलिए बच्चों ठीक है आगे चलते हैं. कैलकुलेट द रिसीप्ट्स अंडर फॉरवर्ड मार्केट एंड मनी मार्केट. आप बताइए आपके रिसीप्ट्स दोनों के दोनों मार्केट्स के अंदर क्या होंगी. बताइए फॉरवर्ड मार्केट में आपको कितने रिसीप्ट्स मिलेंगे और मनी मार्केट में कितने मिलेंगे. राइट. और नो डाउट अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन हेजिंग का सिलेक्ट करना है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कि रिसीप्ट्स ज्यादा होंगे. क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बच्चों मनी मार्केट ऑपरेशन है जो अब तक हमने किया लास्ट क्लास और आज में उन सबका सब कुछ है इसके अंदर, है ना. तो सब कुछ है इसके अंदर जो अब तक हमने लास्ट क्लास में किया. सो दिस इज द केस ऑफ रिसीप्ट्स और पेमेंट. इट इज अ केस ऑफ रिसीप्ट्स. राइट. ये रिसीप्ट्स का केस है. अगर ये रिसीप्ट्स का केस है तो आपके पास फिर से स्टेप बता दो. स्टेप नंबर वन, बोरोइंग इन द फॉरेन मार्केट, कन्वर्ट इनटू द होम मार्केट एंड डिपॉजिट इनटू द होम मार्केट. फॉरेन मार्केट में लोन, कन्वर्ट, डिपॉजिट. राइट. क्या करना होगा? लोन, कन्वर्ट एंड डिपॉजिट. लोन इन द फॉरेन मार्केट एंड डिपॉजिट इन द होम मार्केट. दिस इज वी हैव. राइट. तो सबसे पहले बताओ बच्चों, नाउ वी विल टेक अ लोन इन इन फॉरेन मार्केट. का नाम क्या है? US बैंक. Which will be paid by $2,06,000 receivable after 4 months. तो 4 महीनों के बाद जो पैसा मिलने वाला है उससे हम लोग इस लोन की पेमेंट पे कर देंगे. राइट. एंड द अमाउंट ऑफ लोन, तो आपके पास अमाउंट ऑफ लोन जो हो जाएगा, दैट अमाउंट ऑफ लोन विल बी इक्वल टू, यस प्लीज, 206,000 डिवाइडेड बाय, यस प्लीज, 1 प्लस आर. एंड आर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट. कौन सा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट? डिपॉजिट रेट या बोरिंग रेट? बोरिंग रेट. उधार ले रहे हैं ना हम, तो बोरिंग ज्यादा वाला होगा. इट्स 0.09. पर रुको, ये 0.09 तो आपके पास 1 ईयर के लिए है और आपने उधार कितने महीनों के लिए लिया है? 4 मंथ्स का. तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4. राइट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ लोन इन द फॉरेन करेंसी. प्लीज कैलकुलेट दिस एंड गिव मी द वैल्यू. कितना आता है? यस प्लीज, कितना आता है? 2 लाख. सो इट्स बेसिकली 2 लाख. 2 लाख क्या? डॉलर्स. अमाउंट ऑफ लोन इज इक्वल टू 2 लाख डॉलर. राइट. और जैसे ही आपने अमाउंट ऑफ लोन फाइंड कर दिया तो इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ जी, कन्वर्ट. ये जो लोन लिया 2 लाख डॉलर का, इस लोन की पेमेंट कैसे करोगे? जो पैसे 4 महीने के बाद 2,06,000 डॉलर मिल जाएंगे, उस 2,06,000 की डॉलर की पेमेंट इस लोन को पे करने के लिए कर दिया जाएगा. और ये 2 लाख डॉलर जो आज के डेट में हमें रिसीव हुआ है उसको हम लोग अपने इंडिया में कन्वर्ट कर लेंगे. राइट. सो स्टेप नंबर टू, दैट नाउ कन्वर्ट सच amount of loan into India and converted amount in rupees. तो आपके पास converted amount in rupees हो कितना जाएगा? It will be like this, 2 lakhs dollar. अब बच्चों कौन सा रेट यूज करेंगे? स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट? ऑब्वियसली जब आप T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा रेट यूज होगा? स्पॉट रेट. और बच्चों बताओ, बिड रेट लेंगे या आस्क रेट लेंगे? डायग्राम. आंसर नहीं, डायग्राम. राइट. तो बच्चों हमें पहले डायग्राम बनाना होगा. तो डायग्राम बनाते हैं. हमने कहा ये रहा बैंक, ये रहा कस्टमर. राइट. सबसे पहले बताओ कौन सा कस्टमर बेसिकली हमारे बैंक के पास, एक्सचेंजर के पास जा रहा है? इंडियन बैंक, इंडियन पर्सन और यूएस पर्सन? इंडियन पर्सन. मैंने कहा ये बेसिकली एक्स वाई जेड लिमिटेड है. ठीक है. अब सर इस एक्स वाई जेड की लिमिटेड की रिक्वायरमेंट समझो भाई, हमें इसी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है. तो हमारे एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास, प्लीज ऊपर,
हमारे इस एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास 2 लाख डॉलर्स हैं यूएस मार्केट में, और वो 2 लाख डॉलर्स को चाहता है कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करवा ले, राइट? तो हमारा एक्स वाई जेड लिमिटेड बेसिकली बैंक को कहेगा कि बैंक जी, आप हमसे 2 लाख डॉलर्स ले लीजिए और हमें तो इसके बदले में हमारी होम करेंसी यानी कि रुपीस दे दीजिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, राइट? तो 2 लाख डॉलर्स हमारे एक्स वाई जेड लिमिटेड से बैंक के पास जा रहे हैं और इसके बदले में रुपीस आ रहा है, राइट? नाउ वी हैव टू थिंक फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. तो जब हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड करेंसी तो कौन सा है वो? डॉलर. एंड वी हैव टू थिंक फॉर फ्रॉम द एंगल ऑफ द बैंक. तो बैंक के एंगल से लेफ्ट हैंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? रिसीव हो रहा है. अगर रिसीव हो रहा है तो कौन सा वाला बिट रेट यूज करेंगे? तो हमने कहा स्पॉट रेट. जैसे कि हमें मालूम है $1 इज इक्वल टू ₹42 है, तो $1 का जो रेट होगा वो दिस होगा, 40 होगा. और ये जो बिड रेट है, दिस रेट विल बी यूज्ड. और बच्चों बताइए, कन्वर्टेड अमाउंट इन रुपीज इज इक्वल टू 2 लाख डॉलर, मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं? हमें जो गिवन करेंसी है वो गिवन करेंसी कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड करेंसी. तो इसी लेफ्ट हैंड साइड करेंसी होने के कारण से अब हम बिड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, 40. तो बच्चों ये बन जाता है रुपीज 80 लाख. यस सर. अब से 80 लाख रुपीस हमारे इंडियन मार्केट में T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें मिल गए, राइट? अब इसको इंडियन पॉइंट ऑफ टाइम पर ही, मतलब इंडियन मार्केट में ही हम लोग फॉरवर्ड रेट के साथ कंपेयर करने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे. दिस इसको मैंने ब्रैकेट में बना दिया. दी रुपीस 80 लाख अवेलेबल इन इंडियन मार्केट विल बी इन्वेस्टेड इन इंडिया एट द रेट ऑफ. और बच्चों जब आप इंडिया में इन्वेस्ट कर दोगे तो कौन सा रेट मिलेगा? 12% या 14% डिपॉजिट रेट यानी कि 12%, राइट? इन इंडिया एट द रेट ऑफ वर्ल्ड 12%. और 12% से जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रुपीस, नहीं इसको ऐसे कहें, दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज इक्वल टू, ये 80 लाख रुपए है और आपने 12% से जब आप इन्वेस्ट कर दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा या पे करना होगा? रिसीव होगा. और रिसीव होगा तो यानी कि 1+r पावर t से मल्टीप्लाई. 1+r रेट आपने बताया कितना? 0.12. बट रुको, ये 12% तो पूरे साल का है और आपको कितने टाइम पीरियड का चाहिए? 4 मंथ्स. व्हाट यू डू? डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड दिस इज 80 लाख इन टू 1+, कैंसिल करते हैं, इट्स 0.04. कैलकुलेशन कीजिए. यस प्लीज. 83.2 लाख. दिस इज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स. तो बच्चों 4 महीनों के बाद मनी मार्केट ऑपरेशन में आपके पास 83.2 लाख होंगे और हमारे एक्स वाई जेड लिमिटेड को एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होगा. हमारे एक्स वाई जेड लिमिटेड को अब इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में हमारा स्पॉट रेट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. दैट विल नॉट मैटर टू एक्स वाई जेड लिमिटेड. यस ना? ओके. चलिए बच्चों आगे चलते हैं. ये तो हो गया मनी मार्केट ऑपरेशन. इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि बताइए फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा. देखो फॉरवर्ड मार्केट में हमने कहा कि आपके पास अमाउंट रिसीवेबल जो है वो है $206,000, राइट? और आपके पास फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली, यस प्लीज, दिस इज वी हैव. हम लोग अपनी फॉरेन रेट एक्सचेंज की टेंशन को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करके भी खत्म कर सकते हैं. यस ना?
तो हम लोग फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्शन को बुक करते हुए बेसिकली अपनी फ्यूचर के अमाउंट की टेंशन को एक्सचेंज रेट्स रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, मुझे बताइए कौन सा रेट यूज करेंगे, बिड रेट और आस्क रेट? डायग्राम, राइट। हालांकि मैं आपको एक राज के बाद बता दूं, जो स्पॉट रेट में डायग्राम बनता है वैसे ही फॉरवर्ड रेट में भी बनता है। तो जो फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट में आपने रेट ऑफ एक्सचेंज यूज किया था वही फॉरवर्ड में भी करेंगे, क्योंकि सारी सिचुएशन वही है, राइट। वहां पर भी सेल हो रहा था, यहाँ भी सेल हो रहा है, वहां पर भी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल थी, यहाँ पर वही है, कौन जाएगा वो भी वही है, तो फिर डेफिनेटली आंसर भी वही आएगा। पर फिर भी पहली बार है तो करके देख लेते हैं। हमने कहा कि ये रहा एक्सचेंजर और ये रही कौन सी कंपनी, एक्स वाई जेड, राइट। और एक्स वाई जेड के पास बेसिकली क्या मिलने वाला है चार महीने के बाद, 2,06,000 डॉलर्स। और एक्स वाई जेड की रिक्वायरमेंट ये है कि ये 2,06,000 डॉलर हमारा एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई भी एक्सचेंजर ले ले और इसके बदले में हमें क्या दे दे, होम करेंसी रुपीज दे दे, राइट। तो हमारा बैंक लेफ्ट हैंड साइड करेंसी क्या कर रहा है, बाय और सेल, बाय कर रहा है। अगर बाय कर रहा है तो कौन सा रेट यूज करेंगे, अगेन बिट रेट, राइट। तो हम बिट रेट यूज करेंगे, तो बच्चों फिर से लिखते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यस प्लीज, रुपीज इज इक्वल टू 2,06,000 डॉलर्स। और बच्चों फिर से बताना, लेफ्ट हैंड बिट रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई ना, क्योंकि हमें कौन सी करेंसी गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, मल्टीप्लाई बाय 40.50, इट इज इक्वल टू, यस प्लीज, फिर से 43,000, राइट। सो दिस इज द रिसीट्स अंडर द फॉरवर्ड मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बुक करवा कर भी हमारा इन्वेस्टर फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह के एक्सचेंज रेट के बदलाव में अपने आप को सेव कर सकता है, राइट। तो बताना, बट इन दोनों ऑप्शन में अगर आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो विच ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड, फॉरवर्ड मार्केट, बिकॉज हियर द रिसीट्स अंडर द फॉरवर्ड मार्केट्स आर हाई, दैट्स इट। तो बच्चों ये जो हमने क्वेश्चन किया ये कौन से एंगल से किया, अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, रिसीवेबल, और आपका मनी मार्केट ऑप्शन पेबल का भी हो सकता है, राइट। तो कैन यू ट्राई दिस, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसमें कि अमाउंट आपको पे करना हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, राइट। सो टेक 5 to 10 minutes फॉर दिस, राइट। खुद से ट्राई कीजिए, पर सर प्रेजेंटेशन के साथ कीजिए, अगर आप प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करते आई डोंट थिंक कोई बेनिफिट है, राइट। रफ में तो कोई भी कर लेगा, प्रेजेंटेशन साथ, एग्जाम में मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रेजेंटेशन के साथ करोगे, राइट। सो टेक 5 to 10 minutes yourself एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 79 एंड देन आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन।